ठीक ठाक आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, नाम आपका? शामिला। करती क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ब्यूटिशियन से ज्यादा तो ब्यूटीफुल है आप मैडम। प्यारी समझ गई। मैडम बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। ऑफ कोर्स जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सही। उधर फलस्तीन में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है। और कश्मीर में? जुल्म हो रहा है। के चाइना में इस्लाम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो ये फंस गया सी है। भारत का एक गैर कानूनी तरीका है, वो जिस तरह वो कमाता है जो दूसरे मुल्कों को। कौन सा गैर कानूनी? वो गैर कानूनी है। इसराइल उन्हें सपोर्ट करता है, जो जिस तरह एक पावर पावर इसराइल इसराइल हमारा दुश्मन है ना। मैं कौन सी तारीफ की मैं? नहीं तो हर बात पे भारत कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने कौन सी? कुछ नहीं समझ। मैंने तारीफ कौन सी? मैं कह रहा हूँ भारत का। मैं कुछ नहीं समझ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरी मेरे पहले बात का जवाब दे। मैंने कौन सी तारीफ? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने अक्सर पाकिस्तानियों को भारत के मुसलमानों पर बात करते हुए देखा होगा कि उन पर बहुत जुल्म कर रही है भारत और भारत की सरकार, भारत के लोग। या फिर कश्मीरियों के ऊपर बात करते हुए देखा होगा कि कश्मीर के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है भारत, बहुत जुल्म कर रहा है। उनकी आज़ादी छीन ली है, उनका इंटरनेट छीन लिया है, उनको घरों में बंद कर दिया है, उनकी बहू बेटियों को मारे जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। इस टाइप का प्रोपेगेंडा बहुत बार सुना होगा। और इन पाकिस्तानियों का दर्द जब भी छलक उठता है, जब फिलिस्तीन के अंदर इसराइल ठोकता है 2-4 आतंकवादियों को, तब भी इन बेचारों की आत्मा तड़प उठती है। लेकिन ये पाकिस्तानी इतने दोगले किस्म के लोग होते हैं, इनको इंडिया में जुल्म दिख जाता है, इनको कश्मीर में जुल्म दिख जाता है, इनको फिलिस्तीन में जुल्म दिख जाता है, लेकिन चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है उस पे ये आंखें बंद कर लेते हैं। इस पे हिम्मत करके एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पाकिस्तानी आवाम से जानने की कोशिश की आखिर चाइना के मुसलमानों के बारे में हमारी बोलती बंद क्यों हो जाती है। तो बहुत शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो फिर शुरू करते हैं। सर बेसिक मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उस जिंदगी का क्या फायदा उस चीज का? सर हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया? हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बोलती बंद। अब बोलती बंद। वो कुछ दिनों में से ये अब भाई साहब की निकलेगी मुहिम चल रही है कि चाइनाज में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक 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 हद होता है ना, एक तरीकेकार होता है ज्यादती की। तो इंडिया चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका। चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म स्तंभ ढा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ जबरदस्ती उसका निकाल, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें? एक चीज और मैं और जोड़ दूं, जितनी भी मस्जिदें हैं उनको तोड़ के टॉयलेट बना दिया गया है। अब भाई साहब नहीं बोलेंगे? फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। एक तो बेसिक चीज हमें समझने वाली बात है, चाइना जब से हमारे साथ दोस्ती की है वो सिर्फ दोस्ती करता है फायदे के लिए। समझ लगी है? एक फायदे के लिए करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी भी भारत, हमारी भारत और पाकिस्तान की जंग होती है किसी मुल्क दूसरी कंट्री के साथ होती है, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। ठीक है, जब उसे मफाद होगा, जब उसके खिलाफ वो इंडिया पहुंचने का पाकिस्तान बाउंड्री क्रॉस करेगा, जब वो चाइना के पास पहुंचेगा तब वो एक्शन लेगा। ठीक है ना, जब बेसिक ये चीज है हमें समझने की जरूरत है। हमसे जो गदर है वो सिर्फ हमसे फायदा उठा रहा है। भाई साहब ने बात ही गोल गोल कर दी, वो पूछ रहा मुसलमानों के ऊपर और ये भाई साहब बात पता नहीं कहाँ पे ले गए। चाइना फायदा देख रहा है, ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो बेगैरत हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं उठती उइगर मुसलमानों पे, जुबान पे ताले लग जाते हैं। ठीक है ना, वो भी एक हमारा मुसलमान तो मुल्क नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मुसलमान मुल्क नहीं है वो मुसलमान के मुतलक कभी नहीं सोच सकता। जो हिंदू बुद्ध है वो कभी भी दूसरे मुल्क के लिए फायदा नहीं उठा सकता, वो अपने मफाद में जाएगा। अगर उधर जुल्म हो रहा है तो ज्यादती है,
हमें हमारे मीडिया को, हमारे पाकिस्तान को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। हाँ लेंगे स्टैंड, भूखे मर जाओगे सालो, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। जो तो चाइना से इमदाद मिल रही ना भीख, वो भी बंद हो जाएगी। आवाज उठानी चाहिए, ना तुमने कभी आवाज उठाई है ना कभी उठाओगे। और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जो भी मुसलमान है और इंडिया के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो चाइना के खिलाफ क्यों। हाँ सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल जो कुछ बैलेंस है वो जीरो पे चला जाएगा और ये जो करप्ट हो जाएगा, जो मुल्क जो है ना हमारा बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज, इस भाई को भी अच्छी तरीके से बताया, अगर हमने चाइना के खिलाफ अगर कुछ बोला तो भैया हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये है इनकी मुसलमानों के प्रति मोहब्बत, देख रहे हो आप, ये मोहब्बत है इनकी मुसलमानों के प्रति। पहले अपना फायदा देख रहे हैं ये, बाद में मुसलमान। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, भारत के अंदर जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि इससे इनको मिलती है। इससे बस इन्हें यही फायदा होता है कि भारत कभी स्थिर ना हो, भारत में शांति ना रहो, भारत आगे की तरफ ना बढ़े, ये आपस में लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। तो इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, बाकी इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। ठीक ठाक आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नाम आपका? शामिला। करते क्या है? मैं ब्यूटीशियन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, ब्यूटीशियन से ज्यादा तो ब्यूटीफुल है आप मैडम। मैडम बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। कोर्स जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सही। उधर फलस्तीन में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है। और कश्मीर में? जुल्म हो रहा है। हर जगह यही हालात है, और स्पेशली हमें मुसलमानों पे हो रहा है। सही। हमें इंडिया का पता, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता, चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चाइना पर कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए जी, अभी तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कश्मीर में की बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्पेशली अब इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे जो ये सारा धरना वगैरह हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये चोर गवर्नमेंट आई हुई है, हर बंदा इमरान खान के जो चोर हैं वो खिलाफ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें फिलहाल, आप दुनिया को छोड़ें। सही नहीं, मुसलमानों के ऊपर बात करना तो सबसे पहले जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपकी पता है बात अपने घर से स्टार्ट होती है। सही। आप अपने घर से जो है वो अपने घर को ठीक करें, फिर आप किसी और की बात कर सकते हैं। अपने घर को, हमारे घर 1947 से यही करप्शन देखता आ रहा है हमें, हम आखिरकार वो तंग आकर हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो हमारी बात करने से मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बंदे पर असर पड़े और इस तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कहीं तुम बुराई देखो ना, कहीं भी तुम जुल्म देखो, ज्यादती देखो, तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर तुम में हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है तुम उसे अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो, अगर तुम इतने कमजोर हो गए तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते तो तुम दिल पे इरादा करो कि ये चीज बुरी है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे 1947 से या जब से हमारे हालात खराब हैं तो ये हमारी अपनी लैकिंग थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है, अवाम बाहर निकली है, हमारी खवातीन बाहर निकली है, हमारी लेडीज़ बाहर निकली हैं, और हम सिर्फ इसलिए बाहर निकले हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, और हम किसी के अंडर रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते, एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारना चाहते हैं। और ये सारी अवेयरनेस जो है, एक ग्रेट लीडर हमारे पास आया है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से हम सारे बाहर निकले हैं। तो ये हालात किसी और ने आके हमारे ठीक नहीं करने, हमने खुद से आके ये हालात ठीक करने हैं, और अल्लाह का शुक्र है अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा है, मीडिया का दौर है, और इसके अलावा जो है अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, तो इंशाल्लाह हमारे हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रांड। हालांकि है इमरान खान की चमची ये भी, लेकिन सह लेंगे थोड़ा सा। इमरान खान की माला जप रही है, लेकिन जपने दो, वो इसके देश का नेता है तो इतना राइट बनता है इसको कि अपनी पसंद का कोई भी नेता चुन सकती है। बस हो गया, मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू है। कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में से रिलेटेड लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।